जनरल सिंह भिंडरावाला एक शहीद या एक आतंकवादी जिसके मंसूबों के नीचे दबकर भारत ध्वस्त हो सकता था। आज इस सवाल का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हरभजन सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी जनरल सिंह भिंडरावाला को एक शहीद बता रहे हैं और उसको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों, क्या ये ब्रेन वॉशिंग है या फिर भिंडरावाला सचमुच में शहीद है? परत दर परत खोलेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, हरभजन सिंह की इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी आप देख सकते हैं। इसमें जनरल सिंह भिंडरावाला बीच में खड़ा हुआ है इस फोटो के अंदर और ऊपर लिखा हुआ है प्रणाम शहीदानु, यानी कि शहीदों को प्रणाम। लेकिन आखिर क्यों शहीद कहा जाता है जनरल सिंह भिंडरावाला को? इन इमेजेस के कारण। ये गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब की इमेजेस हैं और ये स्थिति जो थी वो पैदा हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और ये इमेजेस आज तक वायरल रहती हैं। इसी ऑपरेशन के बाद जनरल सिंह भिंडरावाला को उस व्यक्ति की तरह जाना जाने लगा जिसने दरबार साहिब को बचाने के लिए लड़ाई की थी और इसी के बाद ब्रेन वॉश्ड लोग जो हैं उसे शहीद कहने लगे। पर क्या ये बात सच है? तो सच और झूठ का पता आपको इस वीडियो के अंत तक चल जाएगा। लेकिन सच को पता करने की पहली कड़ी होती है कि उसको शुरू से पता करना। तो भिंडरावाला को शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। भिंडरावाला को जानने से पहले खालिस्तानी मूवमेंट को जानना जरूरी है और उसके लिए कुछ वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। कितना वायलेंस हुआ, कितने लोग मारे गए, सबसे ज्यादा नुकसान सिखों को हुआ, हिंदुओं को हुआ, हिंदू सिख यूनिटी को किस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया, प्लेन्स हाईजैक कैसे हुए, सीएम को मारने की कोशिश किस प्रकार से गई, सारी चीजें आपको उस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन ये वीडियो जो है वो भिंडरावाला को कवर करेगी। पंजाब में इस पूरे कालखंड में बहुत से इनोसेंट सिख पुलिस ब्रुटैलिटीज में मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी हमलों में करीब 11,694 लोग मारे गए जिसमें से 61% जो थे वो सिख थे और ये वो सिख थे जो आतंकवादियों की खिलाफत करते थे। इसी बीच पंजाब के अंदर निरंकारी समाज उभर रहा था जिसे सिख समाज का डाइल्यूशन बताया जा रहा था। 1978 में यही निरंकारी समाज एक प्रोसेशन निकाल रहा होता है अमृतसर के अंदर और इस प्रोसेशन को रोकने के लिए दमदमी टकसाल जिसका हेड होता है जनरल सिंह भिंडरावाला और दूसरी तरफ अखंड कीर्तनी जट्ठा जिसका हेड होता है फौजा सिंह, वो तैयारी करते हैं और काफी लोगों के साथ इस प्रोसेशन में पहुंच जाते हैं। फौजा सिंह निरंकारी चीफ पर हमला कर देता है और निरंकारी चीफ का बॉडीगार्ड फौजा सिंह को मार देता है। इस पूरे घटनाक्रम में 11 सिख और करीब 3 निरंकारी मारे जाते हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए, जनरल सिंह भिंडरावाला इस सब के बीच में वहां से गोली हो जाता है, भाग जाता है और इसी इंसिडेंट के बाद अखंड कीर्तनी जत्था और दमदमी टकसाल के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और फौजा सिंह की विडो जो होती है वो भिंडरावाला को भगोड़ा बोलती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जिस पंजाब के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सिख समाज अपने केश कटाने लग गया था या फिर दूसरी तरफ तंबाकू सिगरेट पीने लग गया था और पंजाब के अंदर मुहावरे चलने लगे थे पानी पियो पंप दा और सिगरेट पियो लंप दा, उसी पंजाब के अंदर जनरल सिंह भिंडरावाला को एक तरीके से सिखिज्म का रक्षक माना जाने लगता और इसका फायदा उठाते हुए जनरल सिंह भिंडरावाला वही करता है जो आज जाकिर नायक करता है, स्क्रिप्चर्स पवित्र किताबों के अंदर से चुनिंदा शब्दों को चुनते हुए, चुनिंदा सेंटेंसेस को चुनते हुए अपने प्रोपेगेंडा को पुरोना और वो उसकी उम्र भर जारी रहता है मरने तक। पहला टारगेट बनते हैं पते सिख, यानी कि जो सिख अपने केश कटा लेते हैं, दूसरा टारगेट बनते हैं निरंकारी और तीसरा टारगेट बनते हैं हिंदू। और आतंकवादी हमलों में जो सिख मारे गए थे उनका आंकड़ा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ब्रेन वॉशिंग रिलीजियस डॉक्ट्रिन की जगह ले लेता है और भिंडरावाला अपने सपोर्टर्स को एक मोटरसाइकिल और एक एक गन रखने को कहता है अपने साथ में, जो कि बाद में स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स बनते हैं। जो आगे क्या करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसी बीच 1978 में जो दंगा हुआ था निरंकारियों और भिंडरावाला सपोर्टर्स के बीच में, उसका फैसला आ जाता है कोर्ट से और कोर्ट ये कहता है 1979 में कि निरंकारियों ने जो कुछ भी किया अपने आत्मरक्षा में किया और सारे के सारे निरंकारियों को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद 1980 में निरंकारी के जो चीफ होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। 22 लोगों पर FIR होती है इंक्लूडिंग भिंडरावाला और यहां से भिंडरावाला का डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का सफर खत्म हो जाता है। भिंडरावाला अरेस्ट के डर से गोल्डन टेम्पल में छुप जाता है लेकिन इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते भिंडरावाला अकाली दल और कांग्रेस का प्यादा बन चुका था और ज्ञानी जैल सिंह पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस की तरफ से बयान दे रहे होते हैं कि भिंडरावाला ने कुछ नहीं किया है, भिंडरावाला इस पूरे केस में बेकसूर है और बिना FIR के किसी भी चीज के भिंडरावाला छूट जाता है।
इस सबसे भिंडरांवाले को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है और उससे जन्म होता है इम्प्यूनिटी का लाला जगत नारायण, पंजाब केसरी के मालिक, उनकी हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। और उसके बाद पुलिस जब गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो पुलिस पर भी हमला किया जाता है। और इसके बाद भिंडरांवाला मेहता चौक गुरुद्वारे में छुप जाता है। और सितंबर 1981 में जब पुलिस गिड़गिड़ाती है उसके सामने कि भाई सरेंडर कर दो, प्लीज हाथ जोड़ते हैं, तब वो पुलिस के सामने सरेंडर करता है। और इसी दिन से पता है क्या चालू होता है, अपने सपोर्टर्स को भिंडरांवाला ने मोटरसाइकिल और एक गन खरीदने के लिए कहा था ना, तो इसी दिन से सेम दिन से तीन मोटरसाइकिल पर बैठे स्टॉर्म ट्रूपर्स जालागोंड में मार्केट में चार हिंदुओं को मार डालते हैं। अगले दिन तरन तारण में सेम वे में एक हिंदू को मार दिया जाता है। पांच दिन बाद अमृतसर में एक रेल को पटरी से उतार दिया जाता है। 29 सितंबर 1981 को एक हवाई जहाज को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया जाता है। अमृतसर, फरीदकोट, गुरुदासपुर में बम धमाके किए जाते हैं। 25 दिनों तक पंजाब जलता रहता है और ज्ञानी जैल सिंह संसद के अंदर फिर से खड़ा होकर कह देते हैं कि भाई भिंडरांवाला का इस सब में कोई लेना देना नहीं है, भिंडरांवाला तो बेकसूर है, बस फिर क्या FIR है, क्या केस चलना है, कुछ नहीं होना उसके बाद। तो आज भिंडरांवाला के सपोर्टर्स कहते हैं कि भाई भिंडरांवाला के खिलाफ कोई भी FIR नहीं मिलती है, तो घंटा मिलेगी क्या FIR जब बंदा संसद से छूटता था तो। लेकिन इस सबका मैसेज पता है क्या गया, भिंडरांवाला ने सरकार को झुका दिया है। भिंडरांवाला के पास एक रेटोरिकल फॉलोइंग हो चुकी थी और जिस DIG पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया था उसी DIG पुलिस के दफ्तर में बम फोड़ा जाता है। कोई मरता नहीं है लेकिन मैसेज साफ साफ था कि DIG लेवल का ऑफिसर भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब पंजाब के अंदर वायलेंस रोज का काम हो चुका था। पहले भिंडरांवाला तलवारें लेकर ट्रक भर भर कर गाँव गाँव घूम रहा था और अब इस समय में 12 बोर गन और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ गाँव गाँव में घूम रहा था। और सवाल पूछे कोई कि ये हथियार आते कहाँ से थे, नहीं पता, आगे बताता हूँ। इसके बाद पंजाब के अंदर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस से हिंदू मंदिरों के अंदर गाय की कटी हुई पूछें और सिख गुरुद्वारों के अंदर सिगरेट्स के या तंबाकू के पैकेट्स अचानक से मिलने लगते हैं। कई दिनों तक ये चलता रहता है लेकिन ईश्वर की दया से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कोई भी दंगा नहीं होता है क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के घरों में शादियाँ हो रही होती हैं, तो इतनी जल्दी दंगा वंगा होना आसान नहीं था। लेकिन मोटो यही था, लेकिन सरकार इसके बाद थोड़ी सी चेत जाती है और उसके बाद भिंडरांवाला के करीबी, भिंडरांवाला के सबसे करीबी अमरीक सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद भिंडरांवाला जान जाता है कि अगला नंबर उसी का है और वो स्वर्ण मंदिर में छुप जाता है और इसके बाद जो होता है बेहद शर्मनाक है। पंजाब में वायलेंस रोज का काम हो गया, CM तक को मारने की कोशिश की गई, प्लेन्स हाईजैक करने की कोशिश की गई और इसी बीच स्वर्ण मंदिर में घुसे भिंडरांवाला ने खुद को अचानक से ही संत जी कहना शुरू कर दिया। लेकिन मास्टर स्ट्रोक तो इसके बाद आने वाला था। अचानक से भिंडरांवाला ने अपने हाथ में एक तीर रखना शुरू कर दिया और उसके फॉलोअर्स ने खबरें फैलानी शुरू कर दी कि भिंडरांवाला के ऊपर एक बाज को उड़ता देखा जा सकता है बहुत बार। और ये बात जो थी वो गांव-गांव पहुंचने लगी और इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, तीर को हाथ में रखना और बाज वाली जो इमेज है वो दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी से मेल खाती है। अब गुरमीत राम रहीम ने अपनी पगड़ी में कलगी लगा ली थी तो उसके बाद सिख समाज के बहुत से लोग उसको मारने के लिए चढ़ गए थे लेकिन भिंडरांवाला ने अपनी पूरी इमेज दशमेश गुरु जैसी बनाने की कोशिश की लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की। और अब मृत्यु का व्यापार ऐसी जगह से चलता है जो हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए पवित्र होती है। IG ऑफ पुलिस AS अटवाल स्वर्ण मंदिर के अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करके वापस आ रहे होते हैं प्रसाद लेकर और मेन गेट पर भिंडरांवाला के सपोर्टर्स उनको गोली मार देते हैं। उनकी लाश 2 घंटे तक पड़ी रहती है, उनका बॉडीगार्ड भाग जाता है, इतनी दहशत होती है और 2 घंटे तक लाश पड़ी रहती है, कोई उठाने तक नहीं आ पाता। भिंडरांवाला के सपोर्टर्स लाश के चारों तरफ भंगड़ा करते हैं। ये वही स्वर्ण मंदिर था जिसे 1762 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला करके गिरा दिया था और ये आखिरी बार था जब स्वर्ण मंदिर के अंदर खून की कोई बूंद गिरी हो। उसके बाद भिंडरांवाला के समय तक स्वर्ण मंदिर के अंदर खून की एक बूंद तक नहीं गिरी। 1846 में कुछ निहंग सिखों ने स्वर्ण मंदिर के कुछ टावर्स पर कब्जा कर लिया था और महाराजा दिलीप सिंह ने सैनिक भेजे थे वो खाली करवाने के लिए, लेकिन निहंग सिख खुद ही वापस आ गए, कहने लगे कि ये बड़ी पवित्र जगह है, यहाँ पर खून खराबा नहीं हो सकता। लेकिन भिंडरांवाला ने क्या किया आप देखिए। सड़कों पर बसें रोक रोक कर सिलेक्टिव
लिए निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा था और दूसरी तरफ स्वर्ण मंदिर के अंदर भी खून बह रहा था। लेकिन इसके साथ ही बब्बर खालसा जो कि स्वर्ण मंदिर के अंदर ही मौजूद था, उन्होंने उन कमरों पर कब्जा कर लिया जिसमें भिंडरावाला और उसके समर्थक रह रहे थे। लेकिन भिंडरावाला एज यूजुअल कॉन्फ्लिक्ट से भाग गया जैसे 1978 में भागा था और उस जगह पहुंच गया जहां पर कभी गुरु भी नहीं गए थे, यानी कि अकाल तख्त। जी हां, ग्राउंड फ्लोर पर गुरु ग्रंथ साहिब थे और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बैठ गया भिंडरावाला। वहीं पर खाने लगा, वहीं पर सोने लगा, उठने बैठने और बाकी सारे काम भी वहीं पर होने लगे। 80 साल के एक जत्थेदार थे, उन्होंने कहा कि भाई इस जगह तो कभी गुरु भी नहीं गए, तुम यहां जाकर कैसे बैठ गए हो। तो उनकी भी कुछ दिनों के अंदर हत्या कर दी गई और उसके बाद अकाल तख्त में भिंडरावाला का दरबार लगने लगा। भारत सरकार को टैक्स ना दिया जाने के लिए कहा जाने लगा, अनाज ना दिया जाने के लिए कहा जाने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियां जलाई जाने लगी। लेकिन सरकार ने एक्शन पता है कब लिया, जब ट्रक भर भर के हथियार गोल्डन टेम्पल आ रहे थे और एक ट्रक जो था वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ चढ़ गया था। पता है किस किस प्रकार के हथियार जा रहे थे गोल्डन टेम्पल के अंदर, ये देखिए जरा। Which have the Chinese markings all over the place, and they we feel that we've got these must have been from across the country. और इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जो मुझे लगता है कि कुछ और ऑपरेशन होना चाहिए था ब्लू स्टार की जगह, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवाद को बढ़ावा ही मिला था। लेकिन अकाल तख्त को खुद नुकसान पहुंचाने वाला भिंडरावाला शहीद कैसे हो सकता है, मुझे जरा कोई ये समझा दे। ये सब चीज़ें किसी को पता नहीं है और दूसरी तरफ इस वीडियो के अंदर भी पूरी डिटेल्स नहीं है क्योंकि समय की कमी है। यदि आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैं दो वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमारी ये वीडियोज़ हैं, हमने कवर किया था ये इशू, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आपके सामने आ जाता है कि भिंडरावाला शहीद था या आतंकवादी था इतने सब चीज़ों के बावजूद। और जो लोग अभी भी भिंडरावाला को शहीद कहते हैं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उनके सामने रखता हूँ कि भिंडरावाला के पास AK-47 कहाँ से आ रही थी। अब लाला जी की दुकान पे तो बाजार से मिलती है नहीं, एक देश दूसरे देश को बेचता है, तो क्या पाकिस्तान दे रहा था क्या AK-47 भिंडरावाला को? इस चीज़ का आपको जवाब खुद ढूंढना है, डिटेल्स मैंने दे दी हैं। आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए patreon.com है और ज्वाइन बटन है, उस पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि उसी के थ्रू ये चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर, जय हिंद जय भारत।